अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बड़ा ही मज़े का टॉपिक, न्यूटन एंड आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का लास्ट टॉपिक है जी कि न्यूटन एंड आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन का और न्यूटन का ग्रेविटी के बारे में क्या नज़रिया था, आज हमने उसका एक डिटेल कंपैरिजन करना है। ठीक है जी, तो बड़ा ही आसान टॉपिक, अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, तो आपने चीज़ों को गौर से सुनना है, समझना है, नोट कर लेना है जिस तरह से मैंने लिखा है। अगर ये पेपर में कभी एज अ लॉन्ग आ जाता है तो आपने इसका इस तरह से डिटेल कंपैरिजन करना है। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी को तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं। ग्रेविटी क्या होती है जी, कि अगर ये मेरे हाथ में सेट ऑफ मार्कर्स हैं, इनमें से मैं कोई एक मार्कर को क्या करता हूँ, यहाँ पर इस साइड पर ले आया हूँ। अब मैं इसे अगर जैसे ही रिलीज़ करूँगा तो ये कहाँ गिरेगा, ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ या स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो आज हमने यही देखना है कि आइंस्टाइन जो है वो ग्रेविटी के बारे में क्या नज़रिया रखता था, और न्यूटन जो है उसकी क्या सोच थी ग्रेविटी के बारे में। तो हम कंपैरिजन से टॉपिक शुरू करेंगे, न्यूटन व्यू वर्सेस आइंस्टाइन व्यू। न्यूटन वर्सेस आइंस्टाइन, एक तरफ न्यूटन जी, एक तरफ आइंस्टाइन जी हैं। चलें जी, बड़ा ही मज़ेदार कंपैरिजन। भाई न्यूटन क्या कहता था, स्टूडेंट्स आपने ये स्टोरी तो सुनी होगी कि एक सेब जो है वो न्यूटन के सर पर आकर गिरा। ठीक है जी, और न्यूटन ये सोच रहा था कि जो हमारी स्पेस में प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं, ठीक है, ये किस तरह से एक दूसरे के करीब जो हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, सन के सराउंडिंग में अर्थ किस तरह से रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो तब एक सेब उसके सर पर आकर गिरा, 1665 की शाम, बुक में लिखा जाता है। अब पता नहीं ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, उन वक्तों में ना आप थे ना मैं था, बट हम ये एक सीक्वेंस चला आ रहा है, एक कन्वेंशन चली आ रही है। तो हम कहते हैं कि जी एक सेब जो है वो न्यूटन के सर पर आकर गिरा। बच्चे कहते हैं सर जी दरख्त ही गिरा देते, ठीक है, दरख्त ही गिर जाता। तो भाई नहीं, उसको जो है फिर आपको न्यूटन लास्ट कहाँ से आती सिलेबस में। ठीक है, तो न्यूटन क्या कहता था कि जी ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी जो है ना ये इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है बच्चों, देखिए न्यूटन व्यू में मैंने लिखा है, ग्रेविटी इज़ द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की क्या है, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये दो मार्कर है ना, इसका भी मैस है, इसका भी मैस है। ठीक है, तो न्यूटन ये कहता था कि इन दोनों के मैस का प्रोडक्ट कर लें, ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो दो मार्कर हैं इनके दरमियान जो इनके सेंटर से फासला है उसके स्केयर के साथ इनवर्स रिलेशन है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, इसे हम इनवर्स स्केयर लॉ भी कहते हैं। तो ये तो मैंने मार्कर की फॉर्म में बताया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्लैनेट्स की, किन की बात करूँ, प्लैनेट्स की, ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टार है सन और एक प्लैनेट है अर्थ, ठीक है, तो अर्थ और सन के साथ हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते थे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यही पढ़ते थे ना, ये ला एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो न्यूटन ये कहता था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, ठीक है, और ये किस वजह से होती है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। और जी क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, 6.67 मल्टीप्लाई 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बट स्टूडेंट्स, न्यूटन गिव नो फिजिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट ग्रेविटी। न्यूटन ने हमें कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी ग्रेविटी की, बस ये लाई थी हमारे पास, ठीक है। अब चलते हैं आइंस्टाइन क्या कहता था। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ग्रेविटेशन नॉट एन इंट्रेंसिक फोर्स। ले भाई, आइंस्टाइन कहता है ग्रेविटी कोई इंट्रेंसिक फोर्स नहीं है, तो फिर क्या है भाई, हम क्या गलत फिजिक्स पढ़ते आए अब तक। तो कहता है ग्रेविटेशन नॉट एन इंट्रेंसिक फोर्स बट ड्यू टू स्पेस टाइम बेंडिंग। ये क्या है, स्पेस और टाइम की बेंडिंग की वजह से है। अब स्पेस टाइम की पहले मैं बात कर लूँ। अच्छा, ये जो न्यूटन है ना, न्यूटन ये कहता था कि स्पेस और टाइम अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है जी। स्पेस जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और टाइम जो है ये इंटरवल्स में होता है।
बट आइंस्टाइन ने कहा नहीं भाई, स्पेस टाइम एक ही चीज़ है, स्पेस टाइम फैब्रिकेट है, इंटेगलमेंट है। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई? भाई मैं आपको आसान लफ्ज में समझाता हूँ। आप लोग बच्चे, आपका रिजल्ट आया, आप लोग पास आउट हो गए, आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए गए। तो जब आपका एडमिशन डन हो गया तो उन्होंने कहा कि जी नेक्स्ट डे आपकी फला रूम में इतने टाइम पर क्लास है। क्या कहा? जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने कहा बच्चे जो आपका सेक्शन है वो जिना सेक्शन है, ठीक है, सेवन्थ ई आपकी क्लास है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने सुबह 8:30 बजे आना है। उन्होंने क्या क्या बताया, ज़रा बात पे गौर करना है। जब उन्होंने कहा सेवन्थ ई जिना में, तो इसका मतलब है कि जो भी उनका जिना पोर्शन था उसमें सेवन्थ ई क्लास, इसका मतलब स्पेस जो है वो मखसूस हो गई कि ये स्पेस है। फिर उन्होंने टाइम कहा कि सुबह, कल सुबह 8:30 बजे आना है। तो स्पेस का भी साथ जिक्र हुआ, टाइम का भी साथ जिक्र हुआ, तो स्पेस टाइम इकट्ठे ही रहते हैं। न्यूटन कहता था स्पेस अलग है टाइम अलग है, नहीं, आइंस्टाइन ने कहा जब भी कोई इवेंट होता है तो वहाँ पर स्पेस और टाइम दोनों होते हैं। स्पेस जो है एक्चुअली में इसके 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, टाइम भी इसका कोऑर्डिनेट ही है, ठीक है, ओके। जैसे हम ये पढ़ते हैं ना कि स्पेस के 3 कोऑर्डिनेट हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, वो तो है रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट या कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह टाइम भी क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है। तो स्पेस टाइम के टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, बात गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो स्पेस और टाइम इकट्ठे हैं। फिर आइंस्टाइन ने कहा कि भाई स्पेस टाइम में जो बेंडिंग आती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अ प्लैनेट के। आइंस्टाइन ये कहता था, जरा मेरा हाथ गौर से देखिएगा, सपोज करें ये एक रबड़ शीट है। आइंस्टाइन ये कहता था स्पेस टाइम ना एक रबड़ शीट की तरह है, मैंने इधर ड्रा भी किया, ठीक है, कहता था रबड़ शीट है, जैसे इस रबड़ शीट के ऊपर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसमें कर्व्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्पेस टाइम में कर्व्ड क्यों आएगा? ड्यू टू मास ऑफ प्लैनेट। जितना ज़्यादा मास ऑफ प्लैनेट होगा या मास ऑफ स्टार होगा, उतना ज़्यादा स्पेस टाइम में कर्व्ड आएगा, और ग्रेविटी जो है ये इसी स्पेस टाइम कर्व्ड की वजह से है। जबकि न्यूटन क्या कहता था, ग्रेविटी जो है वो दो क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्केयर है, ठीक है जी, उनके डिस्टेंस के दरमियान, ठीक है जी, इनवर्स रिलेशन है उसके स्केयर और डिस्टेंस के दरमियान। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या कहा कि भाई न्यूटन साहब, आपने कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दी, असल रीज़न ये है कि स्पेस टाइम कर्व्ड होता है तो ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब आप देखें, मैंने यहाँ मार्कर रखा, मैसिव ऑब्जेक्ट था तो ये कर्व्ड हो गया। अब इसके करीब कोई कम मैस का जो भी मैस आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, वो इसके गिर्द क्या करेगा, रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। सो आइंस्टाइन ये कहता था कि ग्रेविटी जो है ये स्पेस टाइम बेंडिंग की वजह से है, स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से है। तो आइंस्टाइन की फिजिकल एक्सप्लेनेशन हाउ ग्रेविटी वर्क, ठीक है जी, क्या थी जी फिजिकल एक्सप्लेनेशन? भाई यही थी, रबड़ शीट एनालॉजी। उसने कहा ये एक रबड़ शीट है, अब इसके ऊपर मैंने एक मैसिव ऑब्जेक्ट रखा है सन, और एक लाइटर ऑब्जेक्ट रखा है अर्थ। तो सन की जो मैस है वो ज़्यादा है, तो सन इस रबड़ शीट को जो, अब फॉर एग्जांपल ये रबड़ शीट जो है ये एक स्पेस टाइम है, ये रबड़ शीट एनालॉजी क्या है, स्पेस टाइम। तो क्या करेगा ये मैस, ये सन इसको स्पेस टाइम को कर्व कर देगा। जब ये कर्व हो जाएगी तो यहाँ मैं अगर कोई और लाइटर मैस रखूँगा ये भी स्पेस टाइम को कर्व करेगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सन इसका मैस कम होगा तो ये बड़ा लाइटर क्या करेगा, इसको कर्व। तो फिर होगा ये कि ये इसको रिवॉल्व करना शुरू कर देगा, ठीक है, और ये जो पाथ बनाएगा, अब ये सन है ना, ये स्पेस टाइम को कर्व कर रहा है, तो अगर अर्थ जो है वो हमारी इसमें आ गई है स्पेस टाइम कर्वेचर में, और यहाँ आकर क्या कर रही है, रिवॉल्व, तो जिस पाथ पर ये मूव करती है बच्चों, इसे कहते हैं जियोडेजिक। क्या कहते हैं? जियोडेजिक। जियोडेजिक ऐसा ही है कि जब हम प्लेन ज्योमेट्री में किसी स्ट्रेट लाइन का जिक्र करते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसकी पाथ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन प्लेन ज्योमेट्री में। लेकिन अगर हम बात करें इन केस ऑफ स्पेस टाइम कन्वेचर, जब कोई ऑब्जेक्ट इसमें मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे अर्थ सन के गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो वो जो पाथ है स्पेस टाइम कर्वेचर की बेंडिंग की वजह से, उस पाथ को कहते हैं जियोडेजिक, ओके। अच्छा, फिर है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसल्स एंड ग्रेविटी बेंड्स लाइट। न्यूटन ये कहता था
कि ग्रेविटी जो है ये लाइट को बेंड करती है। कितना करती है ये इतना बेहतर से गैस नहीं कर सका। बट स्टूडेंट स्पेस टाइम कर्वेचर आल्सो बेंड लाइट बाय अमाउंट ट्वाइस प्रिडिक्ट बाय न्यूटन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा कि भाई ग्रेविटी बेंड तो करती है, स्पेस टाइम कर्वेचर जो है ये बेंड करता है लाइट को, ठीक है, लेकिन जो न्यूटन ने अमाउंट प्रिडिक्ट की थी उससे उसने कहा कि 2 गुना ज़्यादा करता है। तो ये पेपर में एमसीक्यू आ सकता है, ट्वाइस प्रिडिक्ट बाय न्यूटन, ये आपने मार्क कर लेनी है बात, ओके, ठीक है जी। फिर जियोडेजिक मैंने आपको बता दिया कि कर्व्ड लाइंस इन विच प्लैनेट्स मूव इन स्पेस टाइम कर्वेचर, ठीक है, इक्विवेलेंट टू स्ट्रेट लाइन इन प्लेन ज्योमेट्री, इसे हम क्या कहते हैं, जियोडेजिक। फिर न्यूटन कहता था स्पेस अलग है टाइम अलग है, ये भी मैंने बात आपको बता दी। ये सन है, ये अर्थ है, सन का मैस है लेट्स से स्मॉल एम वन, अर्थ का है एम टू। तो न्यूटन कहता था फोर्स ऑफ ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। बट आइंस्टाइन ने कहा नहीं भाई, स्पेस और टाइम अलग अलग चीज़ें नहीं है, स्पेस और टाइम आपस में फैब्रिकेटेड है, चादर है स्पेस और टाइम की। तो ये मैंने समझाने के लिए ज़रा एक कर्व्ड पाथ बनाई है। तो उसने कहा कि जी अगर हम स्पेस टाइम में कोई मैसिव ऑब्जेक्ट रखते हैं, फॉर एग्जांपल सन, रखते तो नहीं है, रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, ठीक है, नेचर की तरफ से गिफ्टेड है हमें, तो ये जो सन है इसका मैस ज़्यादा है, मैस जितना ज़्यादा होगा स्पेस टाइम बेंडिंग उतनी ज़्यादा होगी, तो ये उतना ज़्यादा स्पेस टाइम को क्या करेगा, कर्व्ड करेगा, और इवन के लाइट भी इसमें क्या हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अर्थ जो है अब जो जैसे इसके करीब आएगी तो ये घड़ा सा बन गया, तो ये इसके गिर्द घूमना शुरू कर देगी, रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। अर्थ भी घड़ा बनाएगी लेकिन वो बहुत छोटा होगा क्योंकि उसका सन के कंपैरिजन में मैस क्या है, कम है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि अल्लाह ना करे अगर ये सूरज हटा दिया जाए, सूरज को यहाँ से निकाल दिया जाए तो क्या होगा, अर्थ जो है ये टेंजेंट मूव करेगी, कितने टाइम में करेगी। देखिए पहले बात तो ये है कि हमें ये पता है कि ग्रेविटी जो है वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करती है जिस वजह से अर्थ जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द सन मूव कर रही है, ठीक है। अगर सन ही ना हो, अगर ये सन ही ना हो तो इस अर्थ को तो जाना चाहिए। देखें ये जैसे ये मार्कर ये रोटेट कर रहे हैं ये मार्कर, तो अब ये हटा लिया जाए सर तो इन मार्कर्स को, इन अर्थ को कहाँ जाना चाहिए, टेंजेंट। तो लाइट जो है वो सन से अर्थ तक आती है 8 मिनट 20 सेकंड्स में, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि ज़मीन को तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड लगेंगे टेंजेंट मूव करने में, और हमारी अर्थ फ्रीज होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर डेथ रेशियो बढ़ना शुरू हो जाएगी और लाइफ का एग्जिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि क्या ग्रेविटी जो है इसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है, तो ये स्टिल एक पज़ल है, ठीक है। हायर लेवल्स में हम पढ़ते हैं ग्रेविटॉन के बारे में, ग्रेविटॉन एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, क्वांटम ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड उसे हम कहते हैं, और कहा यह जाता है कि ग्रेविटॉन की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है। तो ग्रेविटी जो है वो लाइट को बेंड करती है ट्वाइस अ डे, किसने जो है पहले प्रेडिक्ट किया, न्यूटन ने कहा कि बेंड करती है लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि ट्वाइस करती है। तो इसका एक एविडेंस था सोलर एक्लिप्स 1919 में, स्टूडेंट एक स्टार था जो सन के करीब था, ठीक है जी। स्टार्स आपको पता है कि शाइनिंग पार्टिकल में लाइट निकलती हैं, तो ये एक बड़ा स्टार था, ठीक है, और जैसे ही ये सन के करीब आया तो इसके सामने क्या थी, अर्थ, और ये हम ज़्यादातर देखते हैं, इसे हम कहते हैं सूरज ग्रहण, ठीक है। तो हुआ ये कि स्टार की लाइट तो यहाँ से क्या जानी चाहिए थी, सीधा, बट सेम स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से जो है इस लाइट जो है ये ड्यू टू ग्रेविटी और स्पेस टाइम कर्वेचर और बेंडिंग की वजह से बेंड हुई और कहाँ आई, अर्थ में। तो सन से भी एक लाइट आई लेकिन एक स्टार की भी क्या आई, लाइट आई। तो हमने देखा कि लाइट्स जो हैं वो आपस में मिली तो हमने कहा कि सूरज ग्रहण हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टार से ये लाइट जो है अर्थ तक आई कितने एंगल से आई, तो ये उतने एंगल से आई, फाई ये एक एंगल है फाई, ये उतने एंगल से आई जितना आइंस्टाइन ने हमें बताया था,
तो आइंस्टाइन की जो कैलकुलेशन थी बेंडिंग ऑफ लाइट की ड्यू टू स्पेस टाइम कर्वेचर वो ट्रू थी, ठीक है, तो इसकी बात जो है वो बाद में ठीक साबित हुई। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।